नमस्कार साथियों, मैं प्रियतम कर्ण आज बॉम्बे एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से हूँ। ये अंधेरी ईस्ट में लोकल का जो स्टेशन है नियरेस्ट वाला, वो अंधेरी ही पड़ता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, टर्मिनल 2 के लिए। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो ये P4 लेवल है, जो कि ग्राउंड लेवल ये, उसे P4 कहा गया है। और सोचा मैं आज फर्स्ट ब्लॉग बना लेता हूँ आज यहाँ का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है तो इसके बहुत सारे लेवल्स हैं, तो कन्फ्यूजन भी होता है, तो जो न्यूकमर्स रहेंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं। अभी आप जैसा देख सकते हैं मैं एंट्री लिया हूँ। यहाँ से जितने भी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो, जहाँ से लोग बाहर से आते हैं वो इस लेवल से आते हैं। P6 ईस्ट स्टैंड आप देख सकते हैं, कुछ कैफेज हैं, जंबो किंग कैफे 2, चाय पॉइंट। जब आप यहाँ आएंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है P6 लेवल अराइवल्स एंड P10 लेवल इज डिपार्चर्स। मतलब अगर आपको यहाँ से निकलना है तो P10 लेवल पे जाना है डायरेक्ट आपको, अगर आप आए हैं तो इस लेवल पे आएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे P10 लेवल पे। एक टाइम टेबल बोर्ड है जो बताता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के टाइमिंग्स, एक्सपेक्टेड टाइमिंग। आप जैसे ही आगे आते हैं तो आपको एक बड़ा एस्केलेटर दिखता है, जो कि डायरेक्ट आपको 4 लेवल क्रॉस करके P10 लेवल पे ले जाएगा। आगे हम लोग P10 लेवल। जैसे आप P10 लेवल पे एंट्री लेते हो तो बेकर स्ट्रीट का फर्स्ट स्टॉल दिखता है आपको। राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारा नेशनल फ्लैग और ये एयरपोर्ट का ब्यूटी सीन। चलिए आपको P10 लेवल पे जो गार्डन के नाम से मोस्टली फेमस है उसकी शेयर कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन है ये दुनिया में सब लोग जानते हैं, ग्रेट पर्सन, मोटिवेटेड टू लीड्स। समय 2 बज गए हैं रात के। मैं रात के 11 बजे निकला था अपने प्लेस से, क्योंकि वो एयरपोर्ट से डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ का। मेरी फ़्लाइट मॉर्निंग 6 बजे की है, तो सुबह 3 बजे निकलने से बेटर मुझे लगा कि यहाँ 11 बजे निकलो। यहाँ पहुँच गया मैं 1 बजे। अभी मैं ब्लॉग बनाते बनाते 2 बज गए हैं। अभी मैं एंट्री करता हूँ लॉन्च में, वहाँ की आपको रिव्यू और वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यहाँ मैं गार्डन में ही हूँ P10 लेवल पे, जहाँ से डिपार्चर होता है। मतलब यहाँ से जितने भी फ्लाइट्स इंडिया से बाहर जाना हो या इंडिया के अदर स्टेट्स में जाना हो, तो P10 लेवल से डिपार्ट होती है सारी फ्लाइट्स। ये सीन मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पीछे इंडियन फ्लैग है और नाइट का व्यू था तो मुझे पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और आगे का आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गार्डन है, कुछ लोग यहाँ भी अपना वेटिंग स्पेस यूटिलाइज करते हैं। मैं अपने फ्लाइट के बोर्डिंग काउंटर पे जा रहा हूँ। तो जैसे आप बोर्डिंग काउंटर पे आते हैं तो आपके आपके सामने ऐसे एक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अलग अलग करके काउंटर्स रहेंगे, जिस पे उनके स्पेसिफिक फ्लाइट्स के नेम्स लिखे रहेंगे, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंगली उस जगह पे आपको जाके खड़े हो जाना है। मेरा काउंटर इंडिगो वाला था, जो नॉर्मली 6 पे होता है, तो मैं अभी 6 के लिए जा रहा हूँ आगे। सब
साथियों, जैसे ही मैंने एंट्री ली है तो आप वापस देख सकते हो कि वहाँ पे डिफरेंट जोन्स के हिसाब से बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं। जैसे कि मैंने 6E से एंटर लिया जो कि इंडिगो था, तो ये मेरा फर्स्ट काउंटर है। मतलब जहाँ से आप एंट्री लेंगे वहाँ से सामने वाला ही आपका काउंटर चेक इन के लिए है, जहाँ से आप सिक्योरिटी चेक इन करके आप अंदर जा सकते हैं फॉर योर केबिन। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे जोन्स हैं, तो वो अकॉर्डिंगली जो जैसे जैसे फ्लाइट्स होंगे उसके हिसाब से वो आते हैं सीधे और वो चेकिंग करके अंदर जाते हैं। तो आपको जहाँ से आप आए हैं सीधा स्ट्रेट आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि मेरी फ़्लाइट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बॉम्बे टू हैदराबाद जाना है जो कि 6E41 है। तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हैं जो आपका चेकिंग हो जाए। लाइंस अवॉइड करना है तो इट्स बेटर टू चेक ऑनलाइन। मैंने वेब चेकिंग ऑनलाइन करा लिया था कल रात को ही, तो मुझे यहाँ वेटिंग लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर जा सकता हूँ लॉन्च की तरफ। आइए चलते हैं। ये आ गए हम लोग हमारे डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ। बोर्डिंग पास स्कैनर से मैंने एक स्कैन करके एंट्री ले ली है अंदर की तरफ। एस्केलेटर से नीचे की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं फिश हैं। यहाँ नीचे उतरते हैं। आई लव मुंबई, क्योंकि लव का कलर प्लांट से दिया हुआ है। सारी सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद फाइनली हम लोग इधर आ गए हैं। आगे देख सकते हैं अडानी लॉन्च है, लॉयल्टी लॉन्च। पहले इसका नाम GVK लॉन्च था, नाउ अभी रिप्लेस हो गया, अडानी लॉन्च हो चुका है। चलिए चलते हैं। इनसे कुछ याद आया नागपुर। तो साथियों, फाइनली मैं GVK लॉन्च जो कि अब अडानी लॉन्च के नाम से रिप्लेस हो गया है वहाँ आ गया हूँ। यहाँ बैठा हूँ, यहाँ के मैंने मैनेजर से पूछा कि मैं यहाँ वीडियो या फोटो शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कुछ समय यहाँ मॉनिटर किया, देखा, ऑब्जर्व किया, तो मुझे जहाँ तक समझ में आया वो पब्लिक मैनेजमेंट रिलेशन के लिए है, ताकि किसी को यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए मैंने ऑफिस के लिए बड़ा कहीं पोस्टर दिखा नहीं कि फ़ोन शूटिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग इज बीन प्रोहिबिटेड। तो मैंने फाइनली एक ऐसा एरिया चूज़ किया है जहाँ लोग कम है और थोड़ा पीस है, तो मैं वहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको यहाँ से मैंने जो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं और शूट किए हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि साथियों आपने देखा, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लॉन्च है एयरपोर्ट पे। एंड यहाँ आप लोगों को थोड़ा बेसिक फैसिलिटीज़ और एडवांस लेवल का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, लाइक लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। यहाँ अलग अलग कैटेगरी के फूड्स अवेलेबल है एंड मल्टीपल वेराइटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल। वो आर एक लग्जरियस फील आता है आपको, जहाँ आप वन नाइट यू कैन स्पेंड। मैं रात को 2 बजे आया था यहाँ पे, इस मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। कम्प्लीटली फाइन एंड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाँ, इसके एक्सेस के बारे में बताता हूँ तो बहुत सारी क्रेडिट कार्ड्स जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड मास्टर कार्ड, या ऐसे कुछ एलिजिबल क्रेडिट कार्ड जो जिससे आपको एयरपोर्ट के लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस होते हैं उसके थ्रू आप आ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड था उसमें इसकी एक्सेसिबिलिटी थी, मेरे पास एक्सेस बैंक का था, तो उसके थ्रू मैं यहाँ सिर्फ 2 रुपये के एंट्री से आया हूँ, जो मुझे पूरा एक्सेस फ्री मिला हुआ है एंड स्टे का फ्री मिला हुआ है, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब फ्री मिलता है एंड इट्स कम्प्लीटली ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे आशा है साथियों आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।